नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इंदौर और दिल्ली में चिकित्सा कर्मियों और पुलिस के जवानों पर थूकने वाले कोरोना संदिग्ध कौन है, किस मानसिकता के लोग हैं, इन पर लानत मुजम्मत से पहले कुछ उनकी बात भी आवश्यक है जो इस घृणास्पद कृत्य को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। हम लोकतंत्र में अवश्य हैं, लेकिन भीतर कुछ लाल बादशाहों की मिल्कियत भी है जो अपनी तरह से सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हैं। धर्म निरपेक्षता की भी उनकी अलग ही थ्योरी है। इस विषय पर बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं निजामुद्दीन नहीं, इंफोसिस कर्मचारी मुजीद मोहम्मद की पोस्ट का स्मरण कराना चाहता हूं। क्या लिखा था उस नामाकुल ने, यही ना कि आइए हम सब साथ आए, लोगों के बीच जाकर छींके और वायरस को फैलाएं। इसमें हम किसके लिए कहा गया था, इसकी चीरफाड़ कीजिए तो अभी हमारे लेफ्ट लिबरल सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता चीखने लगेंगे। इन दिवाकाल धतूरा भक्षी वामपंथियों के तर्कों वितर्कों पर भी बात करनी है, इसलिए पहले कुछ आलोच्य उदाहरण लेते हैं। नहीं, तबलीगी जमात क्या है, क्यों है, उन्होंने जमावड़ा क्यों किया, उनके नेता की मानसिकता क्या है, इस पर बात नहीं, अपितु मैं क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए कथित मानवतावादी लाल कवचधारी क्या कर रहे हैं, इस पर दृष्टि डालना विमर्श के लिए आवश्यक समझता। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों में से 167 लोगों को तुगलकाबाद रेलवे के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था। इनमें से 160 लोगों ने न केवल डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उनके ऊपर थूका भी। पुलिस वाले कानून तोड़ने वालों की तशरीफ लाल कर रहे हैं, डॉक्टर उसी वाम रंग में रंगे पृष्ठभाग पर सुई घुसेड़ रहे हैं, तो संभव है कि उसका गुस्सा हो तबलीगियों को। लेकिन रेलवे कॉलोनी के निवासियों ने क्या बिगाड़ा था भाई। पंजाब केसरी की खबर के अनुसार क्वारंटाइन के लिए रखे गए तबलीगियों ने बस से उतरते ही खांसा, छींका और सड़क पर थूका। अब किसी लाल भुजक्कड़ के सामने आप इस घटना को प्रश्न की तरह रखें तो वह सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं वाली चिर परिचित जुगाली करता हुआ आपको तुच्छ निगाह से देखते हुए बगले झाँक कर निकल जाएगा। इंदौर से पहले बिहार की बात करते हैं। क्या हुआ था जहानाबाद में, दूसरे राज्यों से आए लोगों का पता करने और उन्हें क्वारंटाइन में रहने की सलाह देने जब पुलिस और प्रशासन का दल पहुंचा तो उन पर पथराव क्यों हुआ, धर्म विशेष से जुड़े इस प्रकरण को निरपेक्षता से कैसे देखा जाए, इंदौर टाटपट्टी बाखल इलाके में क्या हुआ, यही ना। कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज के संपर्क में आए लोगों को ढूंढे गए स्वास्थ्य कर्मियों पर यहाँ बुधवार को कुछ लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव के कारण दो महिला डॉक्टरों के पैरों में चोटें आई हैं। दल में महिला डॉक्टर जो सम्मिलित थी, एक युवक तो उनके पीछे नंगी तलवार लेकर दौड़ा। इस घटना की जितनी लानत मुजम्मत हो सके आवश्यक है, ऐसी घटनाओं की आलोचना करना सांप्रदायिकता नहीं, समाज सेवा है। समाज के ऐसे दुश्मन तो लाखों की जान को खतरे में डाल सकते हैं, उनके चेहरे सामने लाए जाने चाहिए, आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पंचतंत्र की चतुर लोमड़ी से प्रेरित वामपंथियों ने खुलकर निजामुद्दीन सहित बिहार, इंदौर और देश के अन्य भागों में हो रही ऐसी ही घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की होती तो इनके हम ही सब कुछ जानते हैं वाली सोच को आज अनदेखा किया जा सकता था। लेकिन सोशल मीडिया के अधिकांश लाल पन्ने इस बात से रंगे हैं कि रामनवमी में राम लॉकडाउन क्यों है, कृष्ण को कोरोना ने कैद कर दिया, दुर्गा की उपासना करने वालों कुछ नहीं होगा, गोमूत्र पीने से कोरोना भागने का दावा करने वाले जाहिल हैं, कनिका की क्या जमात थी, क्या धर्म है, वगैरह वगैरह। आश्चर्य यह कि ये सभी तर्क तबलीग जमात के कृत्यों को जस्टिफाई करने की श्रृंखला में सामने रखे गए हैं। गोमूत्र का प्राचीन काल से ही औषधि के रूप में प्रयोग होता रहा है, कोरोना के नाम पर इसके लिए पार्टी करने का जाहिलपना किया गया था, आयोजन की भरपूर खिल्ली उड़ाई गई, आयोजक जेल की हवा भी खा चुके, गायिका कनिका को किसी ने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया बल्कि उनकी कठोर आलोचना की गई है, ऐसी कि कोई दूसरी शर्मनाक हरकत करने से बचे और कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। नवरात्रि के समापन के पश्चात अनेक परिवारों ने कन्या भोज के स्थान पर भूखों को भोजन कराना उचित समझा जो लॉकडाउन की पीड़ा भोग रहे हैं। मंदिर बंद करने की समझदारी केवल तिरुपति, वैष्णव देवी या कि सिद्धि विनायक ने ही नहीं दिखाई, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े चर्च सहित
मक्का मदीना को भी समझदारी से बंद किया गया है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ सेलेक्टिव आलोचना नहीं होता। इन्हीं प्रवृत्तियों ने देश के बहुसंख्यकों को सर्वदा नीचा दिखाने का काम किया है। मार्क्सवाद के खलीफाओं को बुरा लग सकता है, लेकिन इस दौर में डफली वाले लाल सलामियों के स्थान पर खाकी निकर वाले संघी सर्वहारा की सेवा में लगे नजर आ रहे। हो क्या रहा है? माजरा यह है कि जिहादियों और वामपंथियों की प्रगतिशीलता का स्तर एक जैसा है। टाइम्स नाउ बता रहा है कि जेएनयू के एक विद्यार्थी ने सुरक्षा गार्ड को धमकी दी है कि वह खांस देगा और कोरोना फैला देगा। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी है ना? दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलता हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।